फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम पर खान जाहिर सर एंड माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमाम एलपीजी कंपनियों को यानी एलपीजी गैस कंपनियों को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अपने कंज्यूमर्स का जो है एलपीजी गैस ईकेवाईसी करवा लें और इसका आखिरी डेट भी फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों ये एलपीजी गैस ईकेवाईसी क्या है, इसे कहाँ करवाना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और अगर नहीं करवाए तो इसका अंजाम क्या होगा, ये तमाम आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम गैस एजेंसियों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो कंज्यूमर्स का ईकेवाईसी अपडेट नहीं है गैस के लिए उन तमाम लोगों का ईकेवाईसी करवा लें और उसका आखिरी डेट भी फिक्स कर दिया है और वो आखिरी डेट जो है 31 दिसंबर 2023 है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन था वो अभी मालूम हुआ है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि एलपीजी ईकेवाईसी लास्ट डेट बोल के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर आप टेंशन मत लें क्योंकि ऐसी जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो जो एलपीजी गैस कनेक्शन हैं जिन जिनके हैं, ऑलमोस्ट हर एक घर में आज एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलपीजी एजेंसीज को जो है इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर के अंदर अपने कंज्यूमर्स का जो ईकेवाईसी है वो अपडेट नहीं करवाए तो उनको जो सब्सिडी आने वाली है और जब जो सब्सिडी आ रही है वो स्टॉप हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपने ईकेवाईसी अपडेट नहीं किया है एलपीजी गैस का तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की जानिब से वो स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि 2024 के बाद ये सब्सिडी फिर ज़्यादा होने वाली है, 300-400 रुपये तक मिलने वाली है। इसके लिए आपको आपका एलपीजी गैस ईकेवाईसी करवाना मस्ट एंड शुड है, करवाना लाजमी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये कहाँ पर करवाना है। दोस्तों जो जो एलपीजी गैस जैसे जो हैं, भारत गैस है, इंडियन गैस है, इसी तरह एचपी गैस है, ये तमाम जो कंज्यूमर्स हैं, इसके जो कस्टमर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जो गैस एजेंसी है उन्हें कॉल करें और पूछें कि वो उनका जो ईकेवाईसी अपडेट है या नहीं। अगर आपका अपडेट है तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है ऐसा कुछ कहेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर ईकेवाईसी करवाना है। तो ईकेवाईसी मतलब आपको अपना अंगूठा लगवाना है, अपना थंब देना है। तो अगर आपने अपनी गैस एजेंसी में नहीं किया तो और एक ऑप्शन है, आप ऑनलाइन में भी इसे ईकेवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, www.myelpg.in वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पर जो है आप सबमिट कर सकते हैं अपना जो एलपीजी ईकेवाईसी है इसका डिटेल्स। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद आपकी जो एलपीजी गैस का गैस पासबुक का जो नंबर है यानी कंज्यूमर आईडी नंबर, ये तमाम हाउस होल्ड्स के लिए एक नंबर रहता है। अपनी जो गैस बुक है उसमें आप देख सकते हैं आपका एक कंज्यूमर आईडी होता है, वो आईडी और जो नंबर, जो फ़ोन नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने गैस लेते वक्त दिया था वो फ़ोन नंबर, ये तीन चीज़ों के साथ आप इसे ईकेवाईसी अपडेट कर सकते हैं एलपीजी गैस के लिए। तो या तो आप अपने एजेंसी को जाकर करवाएं या फिर ऑनलाइन में www.myelpg.in को विजिट करके करवाएं। तो ये जो दो फैसिलिटीज़ हैं आप कर सकते हैं। याद रहे कि डेट 31 अक्टूबर आखिरी है, 31 दिसंबर के अंदर आपको इसे अपडेट करना है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टॉप हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। सो यू हैव टू डू मस्ट एंड शुड दिस प्रोसेस ऑफ एलपीजी गैस ईकेवाईसी इन योर एलपीजी गैस एजेंसी और ऑनलाइन इन वेबसाइट www.myelpg.in वेबसाइट। तो दोस्तों अगर आप 31 दिसंबर के अंदर ये नहीं करेंगे
तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से वो स्टॉप हो जाएगी आने की और बंद हो जाएगी। तो जो लोग भी अपडेट नहीं करवाए हैं वो सबसे पहले अपने गैस एजेंसी में फ़ोन करें और उनसे पूछें कि उनका EKYC अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का काम है, इसके अंदर आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपने ये नहीं किया तो आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, सब्सिडी मिलने वाली है, वो थम जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जो लोग LPG गैस का EKYC अपडेट मतलब बायोमेट्रिक EKYC नहीं करवाए हैं वो जल्दी से जो है इन्फॉर्मेशन लेकर अपने गैस एजेंसी से आप अपडेट कर लें, चाहे ऑनलाइन में हो या अपने एजेंसी में हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कारगर साबित हुआ होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे रखी है 31 दिसंबर, शायद वो आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर आपने नहीं किया तो आपको मजबूरन जो है अपनी सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जल्दी से अपने गैस एजेंसी से इन्फॉर्मेशन लें, अगर आपने EKYC अपडेट नहीं है तो जल्दी से जाकर करवा लें या ऑनलाइन में करवा लें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूँगा। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया मुझे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज भी मौजूद है, इंस्टाग्राम IDभी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप फॉलो करें। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।